रामपुर के सांसद और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के विरुद्ध एक और मामले में जिलाधिकारी ने दिए जांच के आदेश। आम लोगों को मिली राहत, डीजल 11 पैसे और पेट्रोल 9 पैसे हुआ सस्ता। जिलों में तैनात पीएससी के जवानों को जिलों को छोड़ना होगा, लंबे समय से एक ही जगह तैनात जवानों को वापस पीएससी लौटने का आदेश जारी हुआ। जनपद मुरादाबाद के किसानों की समस्याएं बढ़ी, अगस्त में बाढ़ ने पहुंचाया फसलों को नुकसान, अब सूखे से बेहाल है किसान। साइबर क्राइम करने वालों की अब खैर नहीं, मुरादाबाद में साइबर क्राइम करने वालों पर नकेल कसने के लिए सिविल में खुला साइबर क्राइम थाना। राशन कार्डों का नवीनीकरण करने में पूर्ति विभाग कर रहा लापरवाही, कार्ड धारक हो रहे परेशान, नहीं मिल रहा राशन, सरकार की नीति और निर्देशों पर विभागीय अधिकारी नहीं कर रहे अमल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 आईपीएस अफसरों को किया निलंबित, खुफिया एजेंसी से जांच कराने के निर्देश देकर एफआईआर भी दर्ज कराई। निलंबित किए गए आईपीएस मणिलाल पाटीदार एवं महोबा के पुलिस कप्तान हैं, महकमे में मची खलबली। रिया चक्रवर्ती की दूसरी जमानत याचिका भी खारिज, मुंबई सेशन कोर्ट में कल हुई थी सुनवाई, अदालत ने आज सुनाया अपना फैसला, सभी 6 अभियुक्त रहेंगे जेल में। कक्षा 9 से लेकर 11 तक अग्रिम पंजीयन और प्रवेश की तिथि अब 21 सितंबर तक बढ़ी, DIOS प्रदीप ने बताया कि कोरोना के चलते तिथियों को आगे बढ़ाया गया। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की तैयारी में योगी सरकार। SSP बदायूं ने पुलिस कर्मियों की समस्याओं को सुना और उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। गर्मी और उमस से बिलबिलाए महानगरवासी, विद्युत की आंख मिचोली ने बढ़ा दिए नागरिकों की समस्या, अघोषित बिजली कटौती से हाहाकार। पीएससी तिराहे पर गुरुवार की रात मामूली बात पर पीएससी के जवानों ने कार से निकालकर युवक को बुरी तरह पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। बदायूं में बेरोजगारी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री के आह्वान पर सपा कार्यकर्ता ने दिखाए तीखे तेवर, मोमबत्ती जलाकर किया आंदोलन। आजम खान उनके परिवार के सदस्यों पर दो और मामलों पर पुलिस ने चार्जशीट लगाई। हारून पाशा बने भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के प्रदेश के युवा प्रचार मंत्री। ठाकुर द्वारा नगर महासचिव के पद पर बसपा ने गौतम की नियुक्ति की है, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। संबल के दीपा सराय में एक ही वर्ग के दो पक्षों में हुए विवाद में फायरिंग और पथराव होने की घटना में युवक घायल हो गया, झगड़े की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक आरोपी मौके से भाग निकला। बदायूं के बिलसी में रहने वाले एक ही व्यक्ति के मकान में चोरी करने के इरादे से घुसा चोर, परिजनों के जागने पर भाग निकलने में हुआ कामयाब, घटना की तहरीर गिरेश स्वामी ने थाने पर दी। बदायूं बिलसी तहसील के 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, दोनों को कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, तहसील कार्यालय को सैनिटाइज कराया। बदायूं बिलसी में एक व्यापारी की हृदय गति रुकने से मौत, 3 दिन पूर्व सांस लेने में परेशानी होने पर व्यापारी राहुल ने अपनी कोविड जांच कराई थी, रिपोर्ट में वे पॉजिटिव पाया गया, परिवार में गम की लहर दौड़ गई। बदायूं बिलसी में वरिष्ठ पत्रकार चंद्रपाल वार्ष्णेय के निधन से पत्रकारों में दौड़ी शोक की लहर, शोक सभा कर जताया दुख। संबल में विकास विकलांग सेवा समिति ने किया SDM का स्वागत, समिति ने कहा कि दीपेंद्र यादव ने काफी विकास कार्य कराए हैं। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के महाप्रबंधक को भाकियो अराजनैतिक असली संगठन ने ज्ञापन सौंप कर उत्पीड़न बंद करने की मांग दोहराई, आरोप है कि बैंक कर्मचारी अधिक ब्याज वसूल कर लोगों का आर्थिक उत्पीड़न कर रहे हैं।